हे गाइस, तो आज इस एपिसोड में हम दो मेजर अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला अपडेट, ट्राई एक ऐसा रूल आने की सोच रहा है जिसके बाद आपकी जो नेटवर्क क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बट जो हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं शायद से इससे थोड़ा नाखुश है एंड इस रूल को ना आने दें। एंड सेकेंड अपडेट है BSNL 5G को लेकर। यस, BSNL 4G अभी तक पूरी तरह आया नहीं है, BSNL 5G के अपडेट आना स्टार्ट हो चुके हैं। सो इन दोनों अपडेट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, बट वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं ट्राई के अपडेट के साथ। अब ट्राई एक ऐसा रूल ला रहा है 1 अक्टूबर को जिससे जो आपकी नेटवर्क क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इस रूल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्हें बस एक ही चीज़ से कुछ ज़्यादा दिक्कत है। वो क्या चीज़ है उसे डिस्कस करेंगे हम बाद में। पहले देखते हैं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस रूल के साथ। सबसे पहला, ट्राई ये बोल रहा है नेटवर्क ऑपरेटर्स को कि आप अपनी वेबसाइट में पूरा क्लियर करो, पूरा एक मैप होना चाहिए आपके उसमें, और उस मैप में दिखना चाहिए कि कौन कौन से एरिया में आपके 2G नेटवर्क हैं, 3G नेटवर्क हैं, 4G नेटवर्क हैं, 5G नेटवर्क हैं, ताकि यूजर्स पूरा वेल अवेयर रहे आपका सिम लेने से पहले कि उसे कैसी सर्विस देखने को मिलेगी उसके एरिया में। अभी तक यूजर के पास ऐसा कोई भी ऑफिशियल वे नहीं है जिससे वो पता कर पाए कि उसके एरिया में उसे कैसी सर्विस देखने को मिलेगी। सपोज आप वी का सिम ले रहे हो तो आपको क्या पता है कि आपके एरिया में वो 2G सिग्नल देगा या 3G देगा या 4G देगा। सेम विथ एयरटेल, सेम विथ जियो। तो यहाँ पर ट्राई ये बोल रहा है कि वेबसाइट में एक नक्शा होना चाहिए एंड नक्शे में पूरा क्लियर होना चाहिए कि कौन से एरिया में कौन से नेटवर्क हैं। अब इसमें सेकंड चेंज ये रहेगा, सपोज जैसे पहले आपको नेटवर्क की क्वालिटी देखनी होती थी तो बस आप एक ही पैरामीटर को देखते थे जो कि थी लेटेंसी, बट अब इसमें दो और न्यू पैरामीटर्स को ऐड करा जा रहा है। सबसे पहला है आपका जिटर एंड सेकेंड आपका पैकेट ड्रॉप रेट। अब इससे अच्छी तरह देखा जाएगा कि नेटवर्क में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। लेटेंसी से आपको पूरी पिक्चर देखने को नहीं मिलती कि नेटवर्क कैसा है। अब इन दो न्यू पैरामीटर्स के साथ ट्राई को ज़्यादा अच्छी तरह पता लगेगा कि नेटवर्क कैसा आ रहा है। अब थर्ड चेंज इसमें ये रहेगा, अब नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग होती थी वो पहले क्वार्टरली होती थी एंड वो बेस स्टेशन लेवल पे होती थी। अब इस रूल में इसे चेंज करने की सोच रहे हैं। अब ये रिपोर्टिंग जो होगी वो मंथली बेसिस पे होगी एंड ये एकदम सेल लेवल पर होगी, मतलब टावर लेवल पे होगी रिपोर्टिंग। तो एकदम डिटेल में पता लग पाएगा ट्राई को कि कहाँ कहाँ खराबी आ रही है नेटवर्क पे, तो इससे जो है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चेंज की बात करते हैं इस रूल्स में जिससे यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब ट्राई ने यहाँ पर ये बोला है, सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क आना बंद हो जाता है किसी मोबाइल ऑपरेटर के मिनिमम 24 घंटे तक, मतलब एक दिन तक एक डिस्ट्रिक्ट में एक मोबाइल ऑपरेटर के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं और वो किसी रीज़न की वजह से उसे सही नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पर कस्टमर्स को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। अगर आप पोस्टपेड यूज़र हो तो कंपनी को आपको यहाँ पर पैसे पे करने पड़ेंगे। कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, सपोज जितना आपका बिल आता है उसका अगर आप एक दिन की वैल्यू निकालो तो उतनी कंपनी आपको पे करेगी, मतलब आपके बिल में वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, हट जाएगा। एंड अगर आप प्रीपेड यूज़र हो तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वैलिडिटी देखने को मिलेगी। कितनी वैलिडिटी, जितने दिन के लिए आपके नेटवर्क गए हैं उतनी वैलिडिटी आपको आपके प्लान में एक्सटेंड होती हुई दिख जाएगी, ऐसा यहाँ पर ट्राई रूल में बोल रहा है। एंड सेम चीज़ लागू होती है आपके फाइबर कनेक्शन में भी, बट वहाँ पर ट्राई ने इन्हें 3 दिन का टाइम दिया है। अब ये स्टेटमेंट आपको सुनकर अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इन कंपनीज को इस रूल से क्या दिक्कत आ रही है। जहाँ पर इन कंपनी का थोड़ा सा भी नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है ना, इन्हें लगता है कि अब हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अब हमें ढंग से काम करना पड़ेगा, वहाँ पर इन्हें दिक्कत आना स्टार्ट हो ही जाती है। मैं इस चैनल पे काफ़ी टाइम से टेलीकॉम न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, जब भी ट्राई बात करता है ना अच्छी सर्विस की तो इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दिक्कत आनी ही आनी है। मतलब ये कभी नहीं बोलते कि यस अब हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ये हमेशा ये बहाना लगाते हैं कि जो हमारे नेटवर्क हैं उनमें एक्सटर्नल फैक्टर्स काफ़ी डिपेंड करते हैं। बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिससे यहाँ पर नेटवर्क की सर्विस और क्वालिटी डिपेंड करती है। कभी ये नहीं बोलेंगे यस हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। ट्राई ने यहाँ पर पहले भी कोशिश की है नेटवर्क को सुधारने की, ऐसे कुछ रूल्स लाने की जिससे नेटवर्क अच्छे हो सके, तभी भी इन कंपनीज ने यही रोना पाया था कि भाई जो हमारे नेटवर्क हैं उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। एंड यहाँ पर डॉट ने एक स्टेटमेंट भी दी है, डॉट बेसिकली जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनकी आवाज़ ट्राई तक पहुँचाता है, तो डॉट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इस रूल से इतना फ़ायदा नहीं होगा बट जो कंपनीज को ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बेसिकली बोल रहे हैं कि नुकसान ज़्यादा है एंड इसके फायदे कम हैं। अब इसके ऊपर एक मीटिंग बैठेगी एंड ट्राई एंड डॉट एंड ये सारे टेलीकॉम कंपनीज मिलकर यहाँ पे डिसाइड करेगी कि क्या करना चाहिए, एक मिडिल ग्राउंड पे आने की कोशिश करेगी। एंड मुझे लगता है ये कंपनीज कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्विंस कर ही देंगी ट्राई को
कि ये हमसे होने वाला नहीं है, हमें 24 घंटे से ज्यादा टाइम चाहिए एक नेटवर्क को सही करने के लिए। होप सो ऐसा ना हो एंड ये रूल यहाँ पे लागू हो जाए ताकि हमें अच्छी सर्विस यहाँ पे मिल सके, एंड अगर हमें अच्छी सर्विस ना दे पाए तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे कंपनसेशन मिले। तो लेट्स सी कैसे यहाँ पे चीजें काम करती है, काफी इंपॉर्टेंट रूल रहने वाला है। अब यहीं से चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि है BSNL 5G को लेकर। अब मैंने इतनी हेडलाइंस पढ़ी, इतनी यूट्यूब वीडियोस देखी, क्या थी हेडलाइन? BSNL 5G सिम लॉन्च। अब आपको ये सुन के ऐसा लगेगा कि BSNL का 5G यहाँ पे लॉन्च हो गया है, बट नहीं, BSNL के 5G रेडी सिम यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। अब 5G रेडी सिम होते क्या है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब एयरटेल ने 5G लॉन्च किया, जब जियो ने 5G यहाँ पे लॉन्च किया, तो हमारे 4G सिम ही यहाँ पे 5G में कन्वर्ट हो गए, हमें स्पेशली दुकान में जाकर अपने सिम कन्वर्ट नहीं करवाने पड़े। सो बेसिकली इसका मतलब यही था कि जो जियो 4G है एंड जो एयरटेल 4G के सिम है वो कंपेटेबल थे आपके जियो 5G एंड एयरटेल 5G के साथ। तो BSNL ने यहाँ पे अपने अलग से 5G रेडी सिम लॉन्च की है एंड इसका इतना बड़ा यहाँ पे हाइलाइटिंग पॉइंट दिखाया गया पूरे न्यूज़ आर्टिकल में, मैं देख रहा था एंड लोगों को उसको पढ़कर ऐसा लगा कि BSNL 5G यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, बट नहीं लॉन्च हुआ है BSNL 5G, अभी BSNL 4G पे ही काम चल रहा है। एंड यहाँ पर हमारे यूनियन मिनिस्टर ने इसको लेकर स्टेटमेंट भी दी है। 4G का नेटवर्क एक एक मोबाइल पर 80,000 टावर के आधार पर अक्टूबर में आ जाएगा और 1,00,000 टावर के आधार पर मार्च के माह तक आ जाएगा। और स्टेटमेंट क्या है कि जो अक्टूबर तक 80,000 टावर्स की हेल्प से आपको पूरे इंडिया में 4G देखने को मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में आपको BSNL 4G देखने को मिल जाएगा अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर के लिए 2 ही महीने बचे हैं एंड बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर BSNL 4G अभी तक नहीं आया है। तो 2 महीने के अंदर अंदर मुझे नहीं लगता उन सारे एरियाज में BSNL 4G आ जाएगा। अब ऐसे प्रोमिसेस हम सरकार की तरफ से बहुत टाइम से सुन रहे हैं तो इन पे ट्रस्ट करना अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड इन्होंने आगे वीडियो में ये भी बोला है कि मार्च 2025 तक 1,00,000 टावर की हेल्प से पूरे इंडिया में आपको BSNL 4G देखने को मिल जाएगा एंड उसके बाद ये तुरंत ही BSNL 5G में काम करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ये नॉन स्टैंडअलोन 5G पे काम कर रहे हैं। नॉन स्टैंडअलोन 5G पे जो पूरा कोर सेटअप होता है वो 4G का ही होता है एंड उसमें थोड़ा अपग्रेड करके आप 5G में स्विच कर सकते हो, जैसे अभी एयरटेल कर रहा है वैसे यहाँ पे BSNL करने की सोच रहा है। एंड मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत आनी चाहिए क्योंकि एयरटेल का 5G बढ़िया करके चल रहा है, अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है। सो अगर BSNL भी सेम अप्रोच से 5G ले आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकेंड वीडियो डॉट ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये डाली है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर वीडियो कॉल कर रहे हैं, पहली वीडियो कॉल विद अ BSNL 5G नेटवर्क। सो BSNL 5G टेस्टिंग चल रही थी एंड वहाँ पर उन्होंने वीडियो कॉल किया था BSNL 5G के थ्रू। सो ये न्यूज़ थी। अब ये चीज़ एक्साइट करनी चाहिए थी मुझे, बट इस चीज़ ने एक्साइट नहीं किया क्योंकि 5G की टेस्टिंग हमारे प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स बहुत टाइम पहले कर चुके थे। अब इतने टाइम बाद BSNL यहाँ पे 5G टेस्टिंग कर रहा है एंड अभी भी कोई उम्मीद नहीं है BSNL 5G की आने की, क्योंकि अभी तक BSNL 4G नहीं आया है। ऑन पेपर तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा है BSNL 4G का, बट ग्राउंड रियलिटी में देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे एरिया में BSNL 4G आ चुका है, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था अपनी वीडियो में, अगर आपको देखनी है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हो। बट बहुत से मैं कमेंट देखता हूँ लोगों को अभी भी BSNL के अच्छे नेटवर्क देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो होपफुली जल्द से जल्द ये अपने नेटवर्क बिछाएं और टावर्स लगाएं एंड ये एक अच्छा नेटवर्क हमें प्रोवाइड कर पाए एंड लोगों को इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एक अल्टरनेट की, क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी परेशान हो चुके हैं प्राइस के बाद, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं अपना सिम कंटिन्यू रखने के लिए। एंड यहाँ पर मैं ट्राई की काफ़ी तारीफ करूँगा क्योंकि ट्राई काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था एक न्यूज़ पहले आई थी कि ट्राई बोल रहा था कि जो ओनली कॉल्स वाले प्लान है वो वापस लाने की सोच रहा है एंड सेकंड अपडेट आज हमें ये देखने को मिला कि ट्राई ये बोल रहा है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी करने के लिए हम रूल्स ला रहे हैं, जो काफ़ी बढ़िया रूल्स हैं। तो मेरे हिसाब से ट्राई यहाँ पे काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, ऐसे ही ट्राई को काम करना चाहिए ताकि हमें अच्छे नेटवर्क देखने को मिल सके। सो मैं वीडियो में एक अपडेट देना भूल गया, सो इसे अभी ऐड कर देता हूँ। सो एयरटेल की जो फाइनेंशियल ईयर 2025 की Q1 की रिपोर्ट आ चुकी है, मतलब अप्रैल से जून महीने तक की रिपोर्ट है ये एंड इसमें एयरटेल काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, कुछ 4,160 करोड़ का यहाँ पे इन्हें प्रॉफिट हुआ है। अगर हम इसे परसेंटेज में देखें तो इनकी ग्रोथ है कुछ ये 158% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, तो एयरटेल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस क्वार्टर में। सो बस यहाँ पे यही छोटा सा अपडेट एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था एंड अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस देखना है BSNL 4G के साथ तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हो। मिलते हैं उस वाली वीडियो में। जय हिंद।